जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमारा जो टूर है वो है सीनी से मैहर, और ये देख सकते हैं हमारे साथ हमारे छोटे बड़े भाई जो हैं यहाँ से जाने वाले हैं, जो कि कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर ट्रेन रुकने वाली है, रीवा इतवारी ट्रेन, जो कि परमिशन ली गई है। इसके बाद ये ट्रेन को यहाँ पर रोका जा रहा है क्योंकि भौंवर रेलवे स्टेशन में गाड़ी नहीं रुकती है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 50 से 60 लोग होने के कारण, 50 से 60 यात्री जो हैं यहाँ से जा रहे हैं, इस कारण से ऊपर से मतलब आदेश जारी हुआ है, इसके बाद ही ये गाड़ी यहाँ पर रुक रही है। तो हम आपको यहाँ से मैहर तक का पूरा टूर घुमाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में, हम आपको घुमाएंगे भौंवर से मैहर। सो गाइस, यहाँ पर हमारा इंतज़ार होता है ख़त्म, और आप ये देख सकते हैं आपको दूर हमारी रीवा इतवारी जो ट्रेन है, जो कि यहाँ भौंवर स्टेशन में रुकने वाली है, जो कि यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि आउटर सिग्नल जो होता है उसे क्रॉस कर चुकी है, और अभी ये स्टेशन के अंदर आ रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं भौंवर स्टेशन में लोगों की भीड़। तो गाइस, यहाँ से हमारी ट्रेन छूट चुकी है और हम निकल चले हैं अब नैनपुर की ओर, और नैनपुर में मिलेंगे हम आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे बड़े भाई लोग हैं और दादा बुज़ुर्ग हैं, ये हमें यहाँ पर छोड़ने आए हुए थे, और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं नैनपुर की ओर। नैनपुर से आपको अब यहाँ से हम लाइव कवरेज दिखाएंगे, बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं नैनपुर से लाइव कवरेज। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नैनपुर जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी नैनपुर जंक्शन, और ये नैनपुर जंक्शन से आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर अभी एक ट्रेन खड़ी हुई है, और साथ ही अब हम रेलवे जंक्शन जो है यहाँ पर आ चुके हैं। सो गाइज, अभी हम हैं नैनपुर जंक्शन में, और आप यहां से देख सकते हैं मैं अभी नैनपुर जंक्शन से आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर रीवा इतवारी जो ट्रेन है इसकी सेंटिंग में लगभग आधा से एक घंटे में कह सकता हूं, आधा घंटे मिनिमम इसकी सेंटिंग में यहाँ पर लगता है, क्योंकि सेंटिंग होने के बाद ही ये ट्रेन नैनपुर से जबलपुर की ओर रवाना होती है, क्योंकि यहाँ से रूट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा से चलकर नैनपुर तक ये जो गाड़ी आई है इसकी सेंटिंग होती है नैनपुर में आकर, और नैनपुर में सेंटिंग होने के बाद ये गाड़ी जबलपुर के लिए रवाना होती है। तो इसमें लगभग आधा से एक घंटे में कह सकता हूँ कि यहाँ पर टाइम लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये रीवा वाली गाड़ी जो है, ये देख सकते हैं ये रीवा इतवारी गाड़ी है, और यहाँ पर साइड में कौन सी गाड़ी है मुझे नहीं पता है। तो चलिए हम आपको ऊपर से और अच्छे से दिखा देते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं नैनपुर से लाइव कवरेज। Thank you.
क्रमांक 5 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 1. Express, el camino. ¿Verdad? ¿La llega? ¿La llega? ¿La llega?